स्मृतियों में कैसे समझूं संग आप रहते हो पापा, स्मृतियों में कैसे समझूं संग आप रहते हो पापा, जीवन की परिभाषा में हर ओर नजर आते हो पापा। एकाकीपन क्यों लगता है, एकाकीपन क्यों लगता है, कुछ कुछ लगता खाली सा, सात रंग के इंद्रधनुष पर स्नेह उठता जाना पापा, अपनी बगिया की हर हर डाली को देखो आनंदित होकर, जन्म जन्म में आप साथ हूँ साथ कसम निभाए जाना पापा, साया अपना छोड़ यहाँ पर, साया अपना छोड़ यहाँ पर, आप कहाँ बैठे हो जाकर सबका संबल बन करके आशीष निभाए जाना पापा, धन्यवाद। ये स्मृति उनके पिता की है और उन्होंने इस स्मृति को इस स्तर पर लाया भी है और आज का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम उन्होंने संयोजित भी किया। निश्चित रूप से ये अवसर उनके लिए भावना से भरा होगा। हमारे लिए राधेश्याम उपाध्याय जी एक रचनाकार हो सकते हैं, लेकिन और हम के सिर्फ एक पहलू से परिचित हैं उनके रचना जगत से, लेकिन आप उनको बहुत कुछ देखी हैं, जानी हैं, समझी हैं। और सबसे बड़ी बात कि उर्वशी जी कभी भी शिकायतों में नहीं जीती हैं, हमेशा ही संभावनाओं में जीती हैं। मुक्त छंद में उनका लेखन भी रहा है, इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर तो वो जानती ही हैं, अमृत प्रभात में भी उन्होंने लगातार लेखन किया है और समर भूमि में शंखनाथ नाम की कृति में आपके शोधपरक आलेख भी प्रकाशित हुए हैं। तो बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व आपका रहा है और ये जो हम लोग दिखते हैं दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर बैनर, ये सारा का सारा कुछ आपने उनकी रचनाओं से देख करके इसे तैयार किया है। जब नाटकों की बात हो रही है तो एक बात बहुत अक्सर कही जाती है कि हम सब, जैसा कि अभी हमने ठीक पहले तुलसीदास जी को कोट किया था कि हम लोग कठपुतली की तरह से हैं और हमें कोई और नचाता है, इस तरह का भाव उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन सच ये है कि हमारे पास यह खूबसूरती है, मनुष्य के पास कठपुतली तो उस धागे को नहीं पहचान पाती, उस धागे को नहीं काट सकती है, लेकिन हम मनुष्य हैं उस धागे को पहचानते भी हैं, उसे काट भी सकते हैं, अपनी भूमिका भी रख सकते हैं। ऐसी बातें पीटर बर्जर ने अपनी पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में कही है। तो मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा था कि संभावनाओं में जीना सिर्फ स्वीकार करना नहीं, संभावनाएँ क्या हो सकती है। तो पूरे आदर श्रद्धा के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं और उर्वशी उपाध्याय जी को किस अवसर पर अपने विचार रखें। रवि मिश्रा जी और मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि, और हमारे मुंह से तो मुख्य अतिथि निकलता ही नहीं क्योंकि बचपन से हमने चाचा जी बोला है, और दिनेश भैया हमें आज के रिश्ते में तो वो हमारे चेट लगते हैं लेकिन यहाँ उस नाते नहीं बुलाया गया है, और दुर्गेश जी और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी। इस कृति में हमारा सहयोग सिर्फ इतना ही है कि ये हमने पहली कृति उनकी उनके ना रहने के बाद सबके सामने रखने, काफी दिनों से ये कोशिश चल रही थी, अब जाके पूरी हुई और आप सबके सामने। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा भी है और जो भी है वो पूरा का पूरा वैसा ही है। हमें याद ही शायद रजिस्ट्रेशन पीएसडी के लिए हुआ था 1983 में, और ये हर साल इसका रिन्यूअल हो रहा था, समय नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सूचना विभाग का सदर जीविका इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ये 87 के आखिर में ये आया कि अब आपका ये रजिस्ट्रेशन आगे नहीं कंटिन्यू हो सकता, तो अब अगर या तो आप छोड़ दीजिए या तो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फिर एक महीने की मेडिकल लीव लेके ये पीएससी की थीसिस है जो मतलब आज ये पुस्तक के रूप में है, तो ये सब बस सिर्फ एक महीने नहीं, ये सिर्फ 18 दिन की लिखी हुई है और एक महीने में वार्ड हो गई थी, बस बाल बाल बच्चे वाली स्थिति में ये पीएससी कम्प्लीट हुई है। तो उनकी इच्छा थी कि हम इस पर अभी काफ़ी कुछ काम करेंगे, इसको पुस्तक का रूप देने के लिए उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो संतुष्ट नहीं हुई थी, वो
चाहते थे कि अभी हम इसमें काफी कुछ काम करेंगे क्योंकि बहुत जल्दबाजी में किया गया, लेकिन वो जो भी था जैसे भी था उनको जीवन ने उनका ज्यादा साथ नहीं दिया, तो ये वही है। और इसमें हमारा रोल सिर्फ इतना ही है कि ये आज छप गई है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, ये कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, थोड़ी बहुत कटिंग हम यहाँ पर रख पाए, बाकी सब कुछ लखनऊ में ही है। तो अगर आगे कुछ हो पाया तो आगे भी करेंगे, कम से कम हमें लगता है कि अगर कुछ चीज़ें संकलित कर पाए तो 7-8 किताबें तो आराम से आएंगी। और तो वो आपके परिवार को बड़ा कर देता है। जो आज की परिचर्चा का विषय है रेडियो, इस क्षेत्र से मेरा बहुत ज्यादा कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन थोड़ा भी जुड़ाव है। अभी अविलास भैया बोल रहे, मैं 88 में ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ता था और उस ट्रेनिंग कॉलेज में इंटर ट्रेनिंग कॉलेज की मीट हुई और ड्रामा प्ले करने की बात आई। अविलास भैया बैठे हुए हैं, श्रद्धेय विनोद रस्तोगी जी की एक कृति थी ईमान का सौदा, जिसमें शायद आपकी मेमोरी में होगा, वो एक डिवाइडेड ड्रामा था। कॉलेज में टीचर्स के रोल के लिए आज हमारे एक मित्र हैं, प्रिंसिपल हैं लखनऊ में, निर्मल जी, उनको चयन कर लिया गया, उनकी पत्नी का चयन हो गया। जो ईमान का सौदा जो प्ले था उसको कलेक्ट करने की बात आई। हमारे मकान के जस्ट पीछे श्री विनोद रस्तोगी जी का परिवार रहता है, आज भी रहता है, आलोक भैया वहाँ है। मैं उनको चूंकि रिश्ते में नहीं, पड़ोस में हमारे पापा के मित्र की सिस्टर उनको गया नहीं है, तो मैं उनको फूफा जी बोलता था, तो मैं गया उनके पास। मैंने कहा फूफा जी आपका एक ड्रामा लिखा हुआ है और वो मुझे चाहिए। कोई कॉपी नहीं थी, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत फाइल से निकाल कर उस प्रति को दे दिया। केवल इतना कहा कि बेटा इसके बाद मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ये आपको संभाल के ले जाना है और संभाल के ले जाना है। ट्रेनिंग कॉलेज में ले गए उस चीज को, वो उनका वो लिखा हुआ मैंने वहां उनको दे दिया। उस समय मनीष जो सर उस काम जो ड्रामा प्ले था वो हमारे उस ड्रामा के डायरेक्टर हुआ करते थे। सारे कलाकार चयन कर लिए गए, अब एक रोल। सबसे पहले हम सम्मानित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री अभिलाष नारायण जी को। अपना अपना दल, मटिया बुर्ज, प्रमोशन, बैंड मास्टर और बहुत सारी नौटंकियां आपके नाम से जानी जाती हैं श्री अभिलाष नारायण जी। अलग आजादी की अजीब दास्तान ये में आपका अभिनय रहा है। किला फूल गुलाब का बाल नाटक संग्रह भी आपका रहा है और विभिन्न विषयों पर आपके लेख भी प्रकाशित रहे हैं। सुषमा शर्मा जी रंजन भूमि के नाम से खूब परिचित हैं। भौमिक जी ने मंथन, पांचाली, ठेकेदार, सुशीला, शकुंतला आदि विद्रोही, यर्मा, असमंजस बाबू, टोपी शुक्ला, महागाथा, महादेव जैसे नाटकों से आप जुड़े रहे और आपके आप कलाकार हैं प्रिय अनुष्का जी। दूसरा एक नौटंकी की
नटी का पर्याय भी आपको कहा जाता है। आपकी चर्चा रही है पंक्ति धारा भी आपकी ऐसी प्रस्तुति है जिसके सम्मुख रहे पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु क्यों हुई उस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए और हो सकता है कि इस पुस्तक में इस शोध में वो बातें रखी गई। बस इतना ही ये कहना चाहूँगा कि बारे में हमेशा कहते हैं वो बहुत सारा उन्होंने जो मुझे हेल्प करी तो उसको करेक्टर को करने में मुझे बहुत मदद मिली और उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़े रोचक तरीके से हमारी बड़ी लंबी लंबी बातें इस नाटक के सिलसिले में सम्मान हमेशा अच्छा लगता है, आपको कभी संतुष्ट करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये सम्मान भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में दादा हो सभी लोग जो हैं जो हम लोग बहुत सालों से लगातार काम कर रहे हैं अगर उसकी इस तरीके से इतनी अच्छी तरीके से पहचान मिलती है तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और ये उनको ये प्रेरणा देती है कि हम अपने शौक को इस बात को इस पैशन को लगातार धन्यवाद सभी की तरफ से। मैं डॉक्टर राधेश श्याम जी की भाई बहन जैसी देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको एक जगह इकट्ठा किया। यही इसी तरह से हम लोग मिलते रहें कार्यक्रम होते रहें एक दूसरे से राव रत्न बना रहे। मैं पृथ्वी भैया को तो शायद बचपन से जानता हूँ, लोग बहुत छोटे छोटे एक मोहल्ले में, तो मैं उनका भी आभारी हूँ, सभी बड़े लोगों का आभारी रंगकर्म। और रेडियो में मुझे भी 20 बरस हो गए इस वक्त, एक ग्रेट आर्टिस्ट मैं भी हूँ रेडियो में, लेकिन रेडियो में काम अब नहीं बचा, तो कोशिश कुछ ऐसी हो कि रेडियो का तो नहीं होगा क्योंकि इसमें आप कहाँ हम आभारी हैं कि हमें इस लायक समझा गया कि हमें यहाँ आके समझ किया गया। आप आगे पीछे आइए देखिए इसी रोड पे लाल मंदिर की कार खड़ी बहुत लोग बैठे हुए हैं, निर्देशक लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, चाय की दुकान और ऐसे जानकार लोगों के साथ में सम्मानित होना जो है वो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करने का अवसर देता है। स्वाद देसी रसोई करके वो लगा हुआ है।